हमें कैसा संविधान बनाना चाहिए, इसका उत्तर स्पष्ट है, जो हमारे हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे देश, हमारे समाज की रक्षा करे। यह हिंदू धर्म, इसके शास्त्र महान है, इसका ज्ञान महान है, आज भी उपयोगी है, लेकिन आप डेमोग्राफिक चेंज को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि एक हिंदू समाज था। अगर वह हिंदू समाज नहीं रहेगा तो यह ज्ञान, यह धर्म मिट जाएगा। यह लाहौर, मुल्तान और कश्मीर के उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यह पूरे देश में होगा। इसलिए प्रश्न यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो इस देश का संविधान, जो इस देश के धर्म की रक्षा करे, इस समाज की रक्षा करे, उस ज्ञान परंपरा की रक्षा करे। यदि यह हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या यह थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा? थियोक्रेटिक स्टेट यह शब्दावली ही उनसे जुड़ी हुई है जो अब्राहमिक रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ पर वह थियोलॉजी तय करती है कि लॉ क्या होगा। भारत तो हमेशा से हिंदू देश था, यहाँ हमेशा से ईसाई और मुस्लिम थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने ही शासन किया। जब मुसलमानों ने यह सदियों शासन किया, वो अल्पसंख्यक ही थे। जब उनकी सत्ता खत्म भी हो गई शिवाजी के बाद, जब छोटे छोटे रजवाड़े पूरे देश भर में उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया, यह गलत धारणा है कि अंग्रेजों ने मुगलों को हराया था। अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों को पराजित किया जा चुका था और आधे से अधिक हिंदुस्तान, लगभग पूरा हिंदुस्तान कुछ पॉकेट्स को छोड़कर, वह मुगलों से या मुसलमानों से स्वतंत्र हो चुका था। तो क्या उस समय मुसलमानों की स्थिति खराब थी? क्या वह थियोक्रेटिक स्टेट था? बिल्कुल नहीं। हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र का चरित्र ही अपने आप में उदारवादी रहा है और उसमें सभी लोग रहे हैं, और यह शिकायत किसी को नहीं रही है। दुनिया में किसी इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि यहाँ पर विश्वास के आधार पर, धर्म विश्वास के आधार पर किसी को प्रोसिक्यूट किया गया हो, कम से कम स्टेट की तरफ से।